नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सूरज शर्मा। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग के अंदर अपन ने जो पिछला जो चैप्टर फिनिश किया है, कल अपन ने फिनिश किया था सीरीज। सीरीज को अपन ने कंप्लीट पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपने सीरीज टॉपिक की अगर मेरी पिछली दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ दोनों वीडियो को जाके विजिट कीजिए। आपको लगेगा कि सीरीज के अंदर किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेलवेज के अंदर, एसएससी के अंदर, बैंक के अंदर। ये तो था पिछली क्लासेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप चैनल को यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं DSR क्लासेस ऐप के अंदर थ्योरी, तो वहाँ भी अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप टेस्ट वन को सब्सक्राइब एटलीस्ट ज़रूर कीजिएगा। टेस्ट वन आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसको आपको इसके क्या फ़ायदे हैं, आपको सब्सक्राइब करने के बाद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। इससे आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान होगी। ये तो हो गई कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। उसके बाद जो आज शुरू करने वाले हैं दोस्तों, कोई एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो सभी पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी एग्ज़ाम के अंदर इस वाले चैप्टर से या इस वाले टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो 101% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज के टॉपिक का जो नाम रहेगा दोस्तों, वो रहेगा अपना मिसिंग नंबर्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर्स, यानी कि आपको क्या होगा, क्वेश्चन मिलेगा या एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी पैटर्न को देखते हुए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइएगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और टॉपिक सभी अपना लिखेंगे मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर की अपन शुरुआत करेंगे। मिसिंग नंबर अपन शुरू करते हैं आज। मिसिंग नंबर के अंदर अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। मैं आपको इसका ओवरऑल एक रफ आइडिया दे देता हूं कि इसके अंदर आपको क्या लर्न करना पड़ेगा या क्या रिमेम्बर रखना पड़ेगा दोस्तों। आपको एक तो सबसे पहले आपके जो स्क्वायर है, क्यूब हो गए, प्रोडक्ट हो गए, डिवीजन हो गए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे कि आपने सीरीज को सॉल्व किया था, कुछ उसी तरह से आपको इसमें कुछ अपने फंडामेंटल लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइएगा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी, कि इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन अपने पास पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, देखते हैं कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लेते हैं सबसे पहले स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन अपने पास पूछे जाते हैं दोस्तों। ये कोई क्वेश्चन है, यहां पर यह है अपना 4, 9, 2, यह है अपना आगे 3, 5, 7 और आगे है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 1 और नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आपका इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले आप देख लें कि ये स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो रो के अकॉर्डिंग देखेंगे इस क्वेश्चन को, या फिर देखें कि अपन कॉलम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन को देखेंगे, मैं रो के अकॉर्डिंग देख रहा हूं, तो रो के अकॉर्डिंग क्या करें आप, या तो सभी रोज में जितने भी नंबर है उनका सम कर लें। तो 4 + 9 + 2 सम कितना बन रहा है 15 दोस्तों। उसके बाद इसका सम देखेंगे 3 + 5 + 7 दोस्तों, इसका सम भी 15 बन रहा है। तो नेक्स्ट रो का सम भी कितना होना चाहिए, इसका सम भी, इसको मैंने x बोल दिया, 15 होना चाहिए, आपको यही तो निकालना है। तो x इक्वल्स टू 15 - 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, यानी कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपका ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, और आपको निकालना है 64, 53
यहाँ कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आपको वाई की शेप में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों ब्रांचेस पर 15 और 12 से 3 लिया गया है, 44 और 28 से 8 बनाया गया है, तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मेट इसमें लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मेट अपना बन रहा है या किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो आइएगा करते हैं इस क्वेश्चन को हल। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले इन दोनों को देखिए कि 12 और 15 से 3 कैसे आया होगा। आ सकता है 15 में भी 3 का डिवाइड, 12 में भी 3 का डिवाइड, ठीक है 3 आ गया, लेकिन इनमें 8 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये वाला फॉर्मेट अपन नहीं लगा सकते। उसके बाद 64, तो ये वाला तो नहीं लगा। उसके बाद देखेंगे 15 में से 12 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, बिल्कुल 3 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन वाला देख लिया। 44 में से इसको घटाने पर आपका 8 बन रहा है, जी नहीं बन रहा, तो कोई और लगाना पड़ेगा। और क्या लगाएं, दोनों को ऐड कर देते हैं, 15 प्लस 12 कितने अपने पास 27, तो 3 कैसे आया होगा। इस 27 में अगर 9 का डिवाइड कर दूं मैं तो क्या आ गया अपने पास, 3 आ गया, जी बिल्कुल। अगर यही पैटर्न इसमें लग रहा है तो वही पैटर्न इसमें भी लगेगा, देखेगा 44 प्लस 28 इक्वल्स टू 12 और 7। अगर इसमें भी 9 का डिवाइड कर दें तो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो जी हाँ यही फॉर्मेट आपका यही लगने वाला है। तो 64 प्लस 53 इक्वल्स टू 7 117, इसमें अगर आप 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 अपने पास आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो 13 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो मिसिंग नंबर के अंदर आपसे इस तरह के ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो और कुछ अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ से करते हैं। मैं सारे जितने भी टाइप के पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चन बनने की ये एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं वो मैं आपको करवाऊँगा यहाँ पर। मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं या पूछने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। सबसे पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल से कर लिया, फिर अपन ने वाई शेप के क्वेश्चन कर लिए, फिर ट्रायंगल शेप के भी आएंगे, फिर अपने पास क्रॉस शेप के भी आएंगे, और अपने पास टी शेप के भी आएंगे, सर्कल शेप के भी आएंगे, बहुत सारे शेप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। सारे शेप के अपने को क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये है 11, ये है 9। और ये है अपना 3। यहां देख लीजिए, ये आपको नंबर निकालना है दोस्तों। क्या करना है आपको, ये वाला नंबर निकालना है कि ये वाला नंबर कौन सा होगा। देखिएगा आइएगा किस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप, इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि अगर ट्रायंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों कॉर्नर्स को देखिए, 11 और 9 है, 11 प्लस 9 कितना हो रहा है, 20, लेकिन आ कितना रहा है, 40, तो 40 कैसे आएगा इसका, जस्ट डबल करने पर 40 मिल जाएगा। इन दोनों को देखिए, 11 प्लस 3 कितने, 14 का डबल करेंगे तो कितना आ रहा है अपना, 28। उसके बाद 9 प्लस 3 कितना, 12, और 12 का डबल करेंगे 24 आ रहा है अपना। तो सेम पैटर्न अपने को यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, 18 प्लस 13 कितना हो रहा है, 18 प्लस 13 29 या 31 कितना हो रहा है, 31।
और 31 का डबल कर देंगे कितना मिल जाएगा 62, तो 62 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 62 अपना राइट आंसर है दोस्तों। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको रफ की दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई क्वेश्चन है, ये नंबर दोस्तों आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखिएगा कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा और हमेशा आप देखेंगे कॉलम को देखिए। पिछली वाला जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन करवाया था मैंने, रोज एंड कॉलम को सम करने पर अपने फाइंड आउट किया था। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन तीन नंबर से कोई बड़ा नंबर आ रहा है, इन तीन नंबर से कोई बड़ा नंबर आ रहा है, इन तीन नंबर से कोई बड़ा नंबर अपने को दिया जा रहा है दोस्तों। तो कुछ ना कुछ इसमें या तो एड या मल्टीप्लाई जरूर होगा, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड करने से बड़ा नंबर नहीं मिलता, छोटा नंबर मिलता है। सब्ट्रैक्शन और डिवाइड नहीं हो सकता यहाँ पर, यहाँ पर होगा या तो एडिशन होगा या फिर अपना प्रोडक्ट होगा। उसके बाद देखिए 14 में 4 ऐड करते हैं 28, 28 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 33 मिलता है दोस्तों। लेकिन आ तो अपना 61 रहा है, तो 61 तो ऐसे नहीं बन सकता। फिर कैसे बनाएं इसको, कैसे बनाएं? अगर इसको ऐसे कर दें, इसमें कौन सा फॉर्मेट लगाएं, फर्स्ट टू नंबर्स को प्रोडक्ट में लाड लें और उसके बाद इनका प्रोडक्ट में प्लस कर दें, तो अपने को क्या मिल सकता है, 61 मिल सकता है। तो देखो क्या फॉर्मेट है, 14 × 4 + 5 कितना मिल रहा है, 61 इस वाले का। उसके बाद इन दोनों का देखिए, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपना, 132, 132 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, 135। तो उसी तरह से यहाँ अपने को लगाना पड़ेगा, 37 × 3 कितना होता है अपना, 111, 37 × 3 कितना होता है, 111 में 5 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 116। तो इस वाले का जवाब कितना होगा, 116 होगा दोस्तों, कितना होगा, 116 होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोस्तों मिसिंग नंबर को हिंदी में लुप्त संख्या भी बोला जाता है। आगे करने जा रहे हैं अपन, ये वाला है, इसको देखिए इसको कैसे करेंगे। छः 8 54 3 17 बीच वाला नंबर आपको लाना है दोस्तों। क्या करना है आपको, बीच वाला नंबर आपको लाना है। देखो कैसे आएगा, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है दोस्तों, कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है,
फाइव लिखा हुआ है। चलिएगा आइएगा इन क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे, जब भी आपको क्रॉस वाले अगर कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पर जरूर आप क्या देखें, मल्टीप्लाई जरूर देखें दोस्तों। अगर आपको क्रॉस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उनमें मल्टीप्लाई जरूर देखें एक बार। तो आइएगा करते हैं ऐसे क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखिए। क्रॉस में देखते हैं 75 जा कितना हो रहा है अपना 35 तो हो रहा है, लेकिन आ कितना रहा है 40, कितना आ रहा है 40। तो 40 कैसे आया होगा देखिएगा, अगर 7 × 5 में अपन क्या ऐड कर दे 5, ऐड भी कौन सा करना है दोस्तों, ऐड वो नंबर करना है जो छोटा नंबर है। क्या करना है, ऐड वो नंबर करना है यहाँ पर जो क्या है अपना बिल्कुल छोटा नंबर है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और इसमें 5 ऐड कर देंगे 40 आ जाएगा। उसी तरह से 9 × 4 और प्लस 4 कितना आ रहा है 40, ये हो गया अपना। इसको देखिए 6 × 8 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा 54। मैंने ऐड कौन सा किया है, छोटा नंबर ऐड किया है, 17 × 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 54। तो सेम वे में इसको करेंगे 10 × 6 कितना आ रहा है अपना, प्लस 6 करेंगे 66। और इसको करेंगे 21 × 3 प्लस 3 कितना आ रहा है 66। बिल्कुल, तो बीच में आने वाला नंबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66 इज द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, 66 बिल्कुल अपना सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये सोल्व कैसा होगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना होगा दोस्तों, तभी आप इन क्वेश्चन को बना पाएंगे अपने माइंड के अंदर। अगर ये फॉर्मेट आपके चल रहे हैं या आप कोशिश कर रहे हैं इनको रिमेंबर करने की, तभी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा ये वाले क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। और ये हर एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं ये मिसिंग नंबर्स। चलिए आगे चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,2, इसको क्या लिख दिया मैंने 59, 8,1 इसको क्या लिख रहा हूं मैं 79, 8,1 को क्या लिख दिया मैंने 79, 9,1 इसको क्या लिख दिया मैंने 810, आगे है अपना 5,3 इसको क्या लिख दिया दोस्तों मैंने 28। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि 2,1 को क्या लिखा जाएगा। ये भी एक नया पैटर्न है जो हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप खुद देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बेसिकली चल क्या रहा है दोस्तों। 7,2 को क्या लिख दिया 59 लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई देखो कैसे लिख दिया। यहां से इस वाले को देखते हैं पहले, 7,2 72 को क्या लिख दिया 59 लिख दिया, 8,1 को 79 लिख दिया, 9,1 को 810 लिख दिया, 5,3 को 28 लिख दिया, 21 को क्या लिखा जाएगा। तो देखेगा कैसे करेंगे, अगर 7 में से 2 लेस कर दे तो 5 आ रहा है, और अगर इस 7 में प्लस 2 कर दे तो 9 आ रहा है। तो दोनों को जब एक साथ लिख देंगे तो क्या लिखेंगे 59, क्लियर। उसी तरह से 8 में से माइनस 1 कर देंगे 7, और 8 में प्लस 1 कर देंगे 9, तो क्या लिख दिया मैंने 79। उसी तरह से 21 को भी 2 में से माइनस 1 करेंगे 1, और 2 में प्लस 1 करेंगे 3, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 13, और 13 अपना क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा अपना, 13 अपना क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये पैटर्न भी अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन से टाइप के अपने पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, नेक्स्ट है
ये नंबर आपको क्या करना है, निकालना है दोस्तों, क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या इसको सीरीज बना सकते हैं, क्या इसको सीरीज बना सकते हैं। सीरीज देखो कैसे बनाएंगे, छोटे नंबर से आपको क्या मिल रहा है लास्ट में, एक बड़ा नंबर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, छोटे नंबर से आपको क्या मिल रहा है, इसमें एक बड़ा नंबर मिल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करें भाई, 22 क्वेश्चन मार्क 46 और 58 सीरीज बन गई है। तो सीरीज इससे पहले पढ़ी थी अपन ने, सीरीज बन गई। तो 22 क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो इन दोनों का गैप देख लो सीधा सीधा, क्या करो इन दोनों का गैप देख लो, 46 और 58 में जो डिफरेंस है प्लस 12 का डिफरेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करें, इसको लाने के लिए माइनस 12 कर दें, इधर से उल्टा चले तो क्या कर दे, अगर ऐसे जाएंगे तो प्लस करेंगे लेकिन उल्टा आएंगे तो माइनस करेंगे, या फिर इधर से गए तो प्लस 12 कर दें। ऐसा भी तो कर सकते हैं, उल्टी सीरीज भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको इधर से इधर जाना है तो प्लस ही करना पड़ेगा, यहाँ अगर यहाँ आएंगे तो प्लस 12 करना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर 46 में से आप माइनस 12 कर दें, कितना आएगा, 34 आएगा, या फिर 22 में प्लस 12 कर दें तब भी कितना आएगा, 34 ही आएगा। तो फिलहाल इसके लिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 34 इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं दोस्तों, कौन सा नंबर आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं। अंदर एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है और इधर है 2, 2, 3, 4 और आगे है 54, 2, 3, 4, 5 यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5 तो नेक्स्ट है 5, 6, 3, 4 बीच के अंदर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, आप ट्राई कीजिए, सोचिए इसको कैसे करेंगे। कैसे कर सकते हैं इसको, दिमाग लगाइए कैसे करना है आपको। आइएगा कैसे करेंगे, वही अपने को सोचना पड़ेगा। या तो आप इनको प्रोडक्ट करके देखें, 4 2 8 और 3 2 6 ऐड करेंगे नहीं आएगा, 4 2 8 3 2 6 ऐसे भी नहीं आ रहा, 4 2 8 ऐसे भी नहीं आ रहा। तो क्या करें दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या करें कैसे करें इसको, बड़ी समस्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप स्क्वायर करके देखिए इनका, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4, 16 और 9 कितने हो रहे हैं, 25, और 25 और 8 कितने हो रहे हैं, 33। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा फॉर्मेट लग रहा है दोस्तों, बाहर जितने भी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं अगर उन नंबर्स का आप स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंदर वाला नंबर मिल जाएगा। इस वाले में देखिएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोस्तों देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितने होते हैं दोस्तों, 41 होते हैं अपने, 41 के बाद में 9 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 4 ऐड करेंगे 54 हो जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सबको ऐड कर दिया, 36 और 25 कितने होते हैं दोस्तों, 51 होते हैं, 51 में अगर आप 16 ऐड करेंगे तो आपका आ रहा है 67, 67 में अगर आप 9 ऐड कर देंगे तो 73 कितना आ जाएगा दोस्तों, 73 इज द करेक्ट आंसर।
इस वाले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एक बार फिर देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर प्लस 36 और 3 का स्क्वायर प्लस 9, 36 और 9 45, 45 और 5 50 70, 86 होगा दोस्तों। कितना होगा? 73 नहीं होगा, 86 होगा, 86 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5:16:49। फाइव सिक्सटीन और फोर्टी नाइन 9, 29 और 89 और नेक्स्ट नंबर है अपना 15 क्वेश्चन मार्क 147। चलो निकालिए दोस्तों, निकालें नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। कैसे करेंगे आप? सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन, फोर्टी नाइन नहीं आया, 16 और 5 21, 21 से 49 कैसे आएगा? 28 हो रहा है, 29 प्लस 9 28 हो रहा है। मल्टीप्लाई करके देखिए, 80 होता है। या आप सिंपली ऐसा कीजिए, इससे इस नंबर को लाइए, 5 से 16 लाना है तो 5 2 जा 10, 6 ऐड करेंगे 2 से तो कम, काफ़ी कम पड़ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 3 15 और प्लस 1, तो 16 × 3 + 1, यहाँ से चलिए × 3 + 2 और × 3 + 2, 29 × 3 87 होता है दोस्तों, उसमें 2 ऐड करेंगे 89 मिल जाएगा। तो देखिएगा, मल्टीप्लाई 3 तो हो रहा है, सीरीज के जैसे ही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ पहली बार हुआ प्लस 1, दूसरी बार हुआ प्लस 2, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इस पे सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, प्लस 3 कितना होगा, 48। तो अपना जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 48। और 48 से अगर आपको 147 लाना है तो मल्टीप्लाई 3 और 3 अपना हो जाएगा 24, 144 प्लस 3 कितने हो गए, 147। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 48 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो ये आपकी क्या थी, नंबर सीरीज, सॉरी मिसिंग नंबर्स था। मिसिंग नंबर्स के अंदर बेसिकली आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है।
आपको ये वाला नंबर निकालना है दोस्तों। आपको क्या करना है, ये वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिएगा, कैसे करना है देखिए, दिमाग लगाइए। सेवन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। इसको 67 लाना है। सेवन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर कितना हो रहा है अपना 49 प्लस के 16, 49 प्लस 16 हो रहा है 65, आ कितना रहा है 67। अगर प्लस 2 ऐड कर दें तो 67 आ जाएगा। जी हाँ। नेक्स्ट कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा, 9 और 4 13 और 2 15। जी हाँ आ रहा है। इसके बाद देखिएगा 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 करिए, 64 प्लस 9 73 प्लस 2 75। यहाँ आपको 54 ऑलरेडी दिया हुआ है। 54 इक्वल है अपना 6 के स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2, यही है बेसिकली, यही निकालना है अपना 36 और प्लस 2 38। तो अगर आपको ये निकालना है x स्क्वायर, 54 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 38 माइनस करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 54 माइनस 38, 6 और 4 में से 3 गए 1, ये आएगा x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4, यानी कि यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 4 इसका सही आंसर होगा दोस्त। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल मिसिंग नंबर्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये आज की एक मिसिंग नंबर की एक प्यारी सी क्लास अपन ने रखी थी, इसमें मैंने सारे जितने भी टाइप हैं वो कवर करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ कम लगता है या आपको लगता है कि कुछ और प्रैक्टिस अपने को करनी चाहिए अपने इस मिसिंग नंबर के अंदर, तो आपको उसके लिए क्या करना है, सिंपली डीजे सर क्लासेस ऐप के अंदर जाके टेस्ट 1 को सब्सक्राइब करना होगा। वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन जाके मिल जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप टेस्ट 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। और यूट्यूब चैनल पर भी मेरे से जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो भी प्लीज़ इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पिछली क्लास अगर उन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो वो भी यूट्यूब चैनल पर जाकर उन दोनों क्लासेस को, नंबर सीरीज की दोनों क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी तरह से अपन क्या है, डेली अलग अलग टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। आज का टॉपिक्स अपने कवर किया था मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर यहाँ अपना पूरा होता है, ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो करेंगे, कोई नया सा चैप्टर उठाएंगे, नया सा चैप्टर रीजनिंग के अंदर अपन शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।